तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों के साथ आ रहे हैं वीआईटी तक, क्योंकि आप लोग फ्रेशर्स हो और आप लोगों के फर्स्ट टाइम है कि आप लोग वीआईटी फ्लोर आ रहे हो। तो इसकी वजह से आप लोगों को सेटल डाउन करवाने के लिए आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों के साथ आ रहे हैं। तो इसकी वजह से आप लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा कि आपके पेरेंट्स का कौन से होटल्स में रहे, या फिर जो होटल्स हैं वो अच्छे हैं वीआईटी के पास में व्लोर में। तो मैं उन सब चीजों के बारे में आप लोगों को इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोगों को वैसे टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, वो ज्यादातर विलोर जो जंक्शन है, विलोर रेलवे जंक्शन, वहां पे ही उतरते होते हैं ट्रेन से। तो वहां से आप लोगों को ऑटोज आराम से मिल जाते हैं। वैसे वो आप लोगों से 300-250 तक चार्ज कर लेते हैं वीआईटी तक का, पर आप लोगों को उनको 150 तक, मतलब बोलना है कि वो 150 में रेडी हो जाए और वो 150 में वीआईटी बिलोर तक आप लोगों को छोड़ देंगे। इससे कम में भी कुछ छोड़ देते हैं, पर 150 एक मतलब एवरेज प्राइस में आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो आपसे ऑटो रिक्शा वाले लेंगे अगर आप लोगों ने रेलवे स्टेशन से वीआईटी तक आना है। इसके बाद अगर आप लोग वीआईटी तक आ रहे हो, तो वो आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोगों ने कौन से गेट पे जाना है। तो आप लोगों ने कह रहे हैं कि आप लोगों ने मेन गेट पे जाना है, क्योंकि मेन गेट से आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल पाएगा कि वीआईटी के अंदर क्या कुछ है, और उसकी वजह से आप लोगों के पेरेंट्स को भी थोड़ी बहुत ही इजीनेस रहेगी। तो जब आप लोग अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स आप लोगों को छोड़ेंगे वीआईटी के अंदर, जब आप लोगों को हॉस्टल्स में छोड़ेंगे, तो उससे पहले पेरेंट्स को एक मतलब होटल में रुकना पड़ेगा, ताकि वो एक दो रातें आप लोगों के पास रह पाए, ताकि आप लोगों को कोई भी सामान की जरूरत है, जैसे मैट्रेसेस, मग्स हो गए, बकेट्स हो गई, तो इन सब चीजों को सेटल डाउन करवाने के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए वो लोग एक दो दिन होटल्स में रहेंगे। तो उसकी वजह से आप लोगों के बहुत डाउट्स आ रहे थे कि कौन से होटल में रहना चाहिए, प्लीज कोई होटल नंबर दे दो या फिर कुछ ऐसे दे दो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये वाले होटल्स दिखा रहा हूँ, इनके मैं आप लोगों को नंबर्स भी दूंगा कि इनके फोन नंबर्स क्या हैं। वैसे जो यहाँ पे वीआईटी वेलोर का जो मेन गेट है, इसके सामने आप लोगों को बहुत सारे अकोमोडेशंस मिल जाएंगे, बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, जो कि आप लोगों को 1000 से लेके 1500 तक में आप लोगों को एक डिसेंट सा रूम दे देंगे। एसी रूम की मैं बात कर रहा हूँ, 1000 से 1500 के बीच में आप लोगों को एसी रूम मिल जाएगा। और अगर आप लोग नॉर्थ साइड से हो, तो आप लोगों को ये भी दिक्कत आएगी कि यहाँ पे आप लोगों ने खाना क्या है, क्योंकि आप लोग इडली डोसाज ये खा खा के थोड़ा बोर भी हो चुके होंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे पास में पंजाबी ढाबा भी है, जो कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आप लोग मेरा पिछला व्लॉग जाके देख सकते हो, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पंजाबी ढाबाज भी बहुत सारे हैं, दो तीन पंजाबी ढाबाज हैं जहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा खाना मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपके पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो होटल्स हैं वो मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ। तो ये जो मैं आप लोगों को होटल दिखा रहा हूँ, ये वीआईटी के मेन गेट से बिल्कुल सामने वहां पे एक रोड है, वहां पे आप लोगों को ये वाले होटल्स मिल जाएंगे। मैंने आप लोगों को ये पूरी लाइन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पूरे होटल्स ही होटल्स हैं। यहाँ पे वैसे जो कैफे है द चॉकलेट रूम, वहां पे आप लोगों को पास में मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने अगर किसी से पूछना हुआ कि होटल्स कहाँ पे मिलते हैं, तो आप लोग सिर्फ द चॉकलेट रूम कैफे पूछ लेना, आप लोगों को वहां पे होटल्स मिल जाएंगे, जो कि आप लोगों को 1000 से लेके 1500 तक एसी रूम्स दे देंगे। ये वैसे एक जो होटल है उसका फोन नंबर है, अगर आप लोगों ने फोन करके पूछना है, पर आप लोग यहाँ पे आके भी मतलब रूम ले सकते हो। ऐसी कोई अकोमोडेशन में प्रॉब्लम नहीं आती कि आप लोगों को रूम्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, तो आप लोगों को इजीली रूम मिल जाना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ऑटो वालास भी मिलेंगे, जो आप लोगों को बहुत सारे होटल्स रिकमेंड करेंगे, क्योंकि वहां पे उन लोगों का थोड़ा कमीशन उन लोगों को मिल रहा होगा। पर आप लोग ये जो मैंने होटल्स आप लोगों को दिखाए हैं, ये चेकआउट कर सकते हो। आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वीआईटी के पास में, अगर आप लोग आ रहे हो और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है वीआईटी के अंदर, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। तो ये वाले सारे होटल्स हैं जो वीआईटी के आसपास हैं, और भी बहुत सारे होटल्स हैं। तो आप लोगों को वीआईटी के मेन गेट के पास में ही मैं आपके पेरेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग
वहां पे अपना अकोमोडेशन लीजिए, ताकि आपके अगर बच्चे को किसी भी चीज की जरूरत पड़ जाती है तो आप लोग उनके पास में हो, ताकि आप लोगों को मतलब ज्यादा डिफिकल्टी ना आए। क्योंकि वेल्लोर से अगर आप लोग वेल्लोर में किसी अच्छे होटल में रुकना चाहते हो तो आप वहां पे भी रुक सकते हो, पर वहां से आने जाने में आप लोगों का जो खर्चा होगा वो बढ़ जाएगा। वो 200 से 300 रुपया ले लेते हैं आप लोगों का, अगर आप लोग मेन वेल्लोर की जो मार्केट है वहां से VIT के मेन गेट तक आते हो, तो उसकी वजह से आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, और यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज की भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसकी वजह से मैं आप लोगों के पेरेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि VAT के मेन गेट के पास में आप लोग अपना होटल चूज करें। और जो मैंने आप लोगों को ये जो होटल्स दिखाए हैं, मैं इनमें से एक होटल में रुका था जो कि एक डिसेंट रूम आप लोगों को दे देते हैं। और अब बात आती है कि आप लोग जो मैट्रेसेस और बकेट्स और ये मग्स लेने की मैं जो बात कर रहा था कि आप लोगों को हॉस्टल में ये वाले सामान की जरूरत पड़ेगी VAT के अंदर, तो आप लोग ये कहाँ से ले सकते हो? तो जब आप लोग फ्रेशर्स होंगे, जब आप लोग यहाँ पे आओगे, आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पे रोड साइड पे मैट्रेसेस मिल जाएंगे जो आप लोगों को मिल रहे होंगे। पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे ऑलमार्ट करके एक शॉप है, आप लोग वहां से जाके मैट्रेस ले सकते हैं, क्योंकि वो आप लोगों को वैरायटी भी दे देंगे और ऊपर से जो उनका प्राइस है वो थोड़ा बहुत कम रहेगा अगर आप लोग दूसरे लोगों से लोगे जो कि रोड साइड पे अपने मैट्रेसेस बेच रहे होंगे। तो आप लोग ऑलमार्ट को भी चेकआउट कर सकते हो, वो भी मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में दिखाया था, वो इजी डे और ये जो हमारे नॉर्थ साइड में विशाल होते हैं वो वैसा सा ही यहाँ पे VIT में एक सुपरमार्केट बनी हुई है, तो आप लोग वहां से ये छोटा मोटा सामान ले सकते हो अपने बच्चों के लिए, ताकि उन लोगों को आगे जाके कोई भी डिफिकल्टी ना आए। ये रे वो जो पंजाबी ढाबाज जो जिनके बारे में मैं आप लोगों को बात कर रहा था, यहाँ पे आप लोगों को काफी डिसेंट सा खाना मिल जाएगा। ये जो पंजाबी ढाबा मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये वैसे उस टाइम पे तो बंद था पर अब शायद खुल गया है। और ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये ऑलमार्ट है, VAT के जो मेन गेट है उसके पास में ही। आप लोग किसी से भी पूछोगे तो वो आप लोगों को बता देंगे ऑलमार्ट कहाँ पे है, तो ऑलमार्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को सारा सामान मिल जाएगा, जैसे कि आप लोगों के जो मैट्रेसेस हो गए, या फिर बकेट्स हो गई, या फिर मग्स हो गए, जो भी आप लोगों के बच्चों को सामान चाहिए होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। सनस्क्रीन होगी, ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वैसे मैं आप लोगों के लिए एक मीटअप प्लान कर रहा हूँ, ताकि जब आप लोग फ्रेशर्स जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जब VIT वेल्लोर में आए, उनके जो भी डाउट्स हुए वो आप लोग मेरे से पर्सनली मिलके आप लोग अपने सारे डाउट्स क्लियर कर पाए, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। मैं वैसे सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो इसकी वजह से मैं आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स का हल आप लोगों को बता सकता हूँ, और एज अ बिग ब्रदर मैं आप लोगों को हेल्प भी कर सकता हूँ। आपके जो सिलेबस है या फिर कोई भी असाइनमेंट्स है तो उसमें आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। इस मीटअप में मेरे साथ प्लीज जुड़ना, और मैं इस मीटअप के बारे में आप लोगों को फर्दर डिटेल्स अगली वीडियोस में देता रहूंगा। और वैसे अगर आप लोगों को ये मीटअप में इंटरेस्ट है तो प्लीज कमेंट्स में मीटअप कमेंट कीजिए, तो मैं सभी को लाइक दूंगा अगर जो भी लोग मीटअप कमेंट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना जाते जाते।